हाँ जी की पूजा हर घर में होती है लोग की। हाँ जी मंदिर भी बनता है तो बाबा की जो राम की घर में होती नहीं है पूजा है। राम की पूजा होती नहीं है घर। राम की पूजा नहीं होती नहीं होती है घर। राम की भी राम के भक्त राम की पूजा करते हैं। उत्तर भारत में जाके देखो राम की पूजा होती है या नहीं होती है। मंदिर बनाते हैं तो राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी के साथ राम के भी मंदिर बनाते हैं। राम के साथ सीता दिखाते हैं। कृष्ण के भी मंदिर बनाते हैं कृष्ण के साथ राधा दिखाते हैं। जबकि प्रैक्टिकल में तो कृष्ण और राधा साथ साथ नहीं रहे तो भी कृष्ण के साथ राधा को दिखाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? बुद्धि से साथ कि राधा बुद्धि से साथ रहती थी। अभी भी संगम युग में जो राधा का पार्ट होगा वो प्रैक्टिकल जीवन में शरीर के साथ रहता होगा या बुद्धि से साथ रहता होगा? बुद्धि से साथ होगा। हनुमान को हनुमान को लक्ष्मण को भी साथ में दिखाते हैं। नहीं राम के मंदिर में जाना तो वही हनुमान को अकेला भी दिखाते हैं। अकेला होता है तो लंका जलाता है तो अकेला जलाता है कि दो चार के साथ जलाता है? और बाबा मुरली में बाबा ने कहा है कि मैं मुकर्रर में आता हूँ पर स्व स्थिति में स्थित नहीं रहता हूँ। ऐसा कैसा हो सकता है? स्व स्थिति में स्थित नहीं रहता हूँ। स्व स्थिति में नहीं रहता हूँ ब्रह्मा। स्व स्थिति में ये ब्रह्मा नहीं रहता है। मैं मुकर्रर रथ में आता हूँ टेम्परेरी रथ में नहीं आता हूँ। आता हूँ कि नहीं आता हूँ? टेम्परेरी रथ में टेम्परेरी टाइम के लिए आता हूँ। तो जब टेम्परेरी रथ में आता हूँ तो वो टेम्परेरी रथ ज्यादा स्व स्थिति में रहेगा या मुकर्रर रथ ज्यादा स्व स्थिति में रहेगा? मुकर्रर रथ जास्ती स्व स्थिति में रहता है। इसलिए ब्रह्मा के ढेर चित्र मिलते होंगे परंतु निराकारी स्टेज में एक भी चित्र नहीं मिलता है। और प्रवेश करने वाली आत्मा होती है उसका मुकरण स्वभाव होता है। प्रवेश करने वाली जो आत्मा होती है ईश्वर को या तो उसका मुकरण थोड़ा होता है। और दूसरे मुख में बताया है जो कमजोर आत्माएं होती है उसके अंदर ही ईश्वर प्रवेश करने की होती है। माने जो प्रवेश करने वाली आत्मा है वो पावरफुल हो जाती है सूक्ष्म शरीर होने के कारण और स्थूल शरीर में प्रवेश करती है। परंतु स्थूल शरीर में भी एक सूक्ष्म शरीर होता है जिनकी वो सूक्ष्म स्टेज कमजोर होती है उन्हीं में वो सूक्ष्म शरीरधारी भूत प्रेत प्रवेश करते हैं। अगर पावरफुल सूक्ष्म स्टेज हो तो कोई भी भूत प्रेत प्रवेश नहीं कर सकेगा। आगे चल करके ढेर की ढेर अचानक मौतें होंगी। भूकंप आवेंगे बम फटेंगे करोड़ों के करोड़ों एक साथ मर पड़ेंगे। तो अकाले मौत होगी हुई या नहीं हुई? कितनी ईविल सोल बनेंगी और ये वायुमंडल में मंडराती रहेंगी अपने घोड़ों को ढूंढती रहेंगी। इसलिए बाबा ने हमको सिखाया है कि आत्म की स्थिति में रहो अपने को ज्योति बिंदु आत्मा समझो। ज्योति बिंदु आत्मा से ज्यादा सूक्ष्म सूक्ष्म शरीर भी नहीं होता। सूक्ष्म शरीर से भी ज्यादा सूक्ष्म क्या है? आत्मा सूक्ष्म है। आत्म की स्थिति में रहेंगे तो कोई भी सूक्ष्म शरीरधारी प्रवेश
नहीं कर सकता। अगर प्रवेश करेगा भी तो आप समान बना लेंगे, वो भी बिंदु बन जाएगा, वो भी तुम्हारी बात सुनने के लिए, समझने के लिए, मान्यता देने के लिए मजबूर हो जाएगा। और स्थूल शरीर कम गिरेंगे तब हालत क्या होगी? स्थूल शरीर कम गिरेंगे, संख्या कम रहेगी। जब लास्ट विनाश होगा तो उस समय स्थूल शरीर कम होते जावेंगे और सूक्ष्म शरीरों की संख्या बढ़ती जाएगी। जो स्थूल शरीर बचेंगे उनके बीच में अपने को आत्मा समझने वाले कम होंगे या जास्ती होंगे? बहुत कम होंगे, वो ही विजयी बनेंगे और बाकी सब सब प्रभाव में आकर के खलास हो जाएंगे। और ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा के बाद तो सतयुग चिंता युग एक दिन है और द्वापार एक द्वापार योग कलयुग त्रात है। अब बाबा ने कहा है कि तुमको हेलीकॉप्टर में लेके जाएगा सतयुग के अंदर? ये नहीं कहा है हेलीकॉप्टर में सतयुग में लेके जाऊंगा, मगर ये कहा है कि आगे चल कर के हेलीकॉप्टर भी खरीदेंगे। क्या हेलीकॉप्टर खरीदेंगे? तो जब हेलीकॉप्टर खरीदने की टाइम आ जाएगी तो उस समय ये ज्ञान का रूप बदल जाएगा या यही बना रहेगा जो अभी है? ये संगठन ही बदल जाएगा। जो मुरली में बोला है तुम बच्चे लिखो आध्यात्मिक ईश्वरी विश्वविद्यालय, गॉडफादरली यूनिवर्सिटी लिखो, वो शब्द हटा दो, क्या प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी नहीं हटावेंगे तो वो तुमसे लड़ाई लड़ेंगे। तुमने हमारी संस्था का नाम क्यों रखा? इसलिए वो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी शब्द हटा दो, फिर आगे चल के सब सेंटर्स पर लिखना पड़ेगा गॉड फादरली स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी, आध्यात्मिक ईश्वरी विश्वविद्यालय। फिर बोला है तुम्हारे सेंटर्स लाखों करोड़ों की तादाद में हो जाएंगे, करोड़ों की तादाद में मुरलियां छपने लग पड़ेंगी। अभी तो करोड़ों तो क्या, लाखों की तादाद में भी नहीं छप रही है। कितनी छप रही होंगी? है हर महीने ज्यादा से ज्यादा 1000-1200, 10000-1200 निकलती होंगी। पहले झाड़ छोटा होता है तो धीरे धीरे बढ़ता है, जब बड़ा हो जाता है तो ढेर के ढेर पत्ते निकल पड़ते हैं। और हेलीकॉप्टर की भी दरकार नहीं रहेगी तो ऐसे बड़े बड़े पक्षी निकलेंगे तो तुमको उड़ाते हैं। ठीक है, गरुड़ पक्षी का नाम शास्त्रों में आया है, रावण के पास जो पुष्पक विमान आया कुबेर से उसका भी रूप कैसा दिखाते हैं? पक्षी की तरह दिखाते हैं। वो सब नेचुरल चीजें होंगी, वहां कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं होगा। और अंत में अणु से अणु मिल जाएगा, अणु से अणु मिल जाएगा।
हाँ, जो तत्व हैं वो तत्व में विलीन हो जाएंगे, वो सात्विक हो जाएंगे। जो पांच तत्वों के शरीर हैं वो पांच तत्व भी सात्विक हो जाएंगे, सबके नहीं सात्विक हो जाएंगे। योग बल वालों के सात्विक हो जाएंगे या सबके हो जाएंगे? जो योग बल वाले होंगे उनके संसर्ग में संपर्क में रहने वाले जो पांच तत्व शरीर के हैं वो सात्विक बन जाएंगे। उनके ऊपर तामसी प्रकृति का भी कोई असर नहीं होगा। जैसे कुरान में लिखा है जब कयामत होगी तो खुदा के बंदे बड़े मौज में रहेंगे, तो वो तो खुदा के बंदे देहधारियों को ही समझते हैं, वो आत्मा की बात थोड़े ही समझते हैं। माना शरीर सुरक्षित रहेंगे। और एक मिनट है, बाबा रामायण में बोला है कि अश्व का थोड़ा लोग उसने पकड़ा था और उन्होंने उनकी जो चुनौती थी वो स्वीकार की, वो बेहद में बताओ। लव कुश कौन है ये जान जाएंगे और घोड़ा कौन सा है ये जान जाएंगे तो अर्थ भी क्लियर हो जाएगा। घोड़ा किसे कहा जाता है? ये मन रूपी घोड़ा है। लव और कुश कोई दूसरे नहीं है, जो इस्लाम धर्म और क्रिश्चियन धर्म की बीज रूप आत्माएं हैं वही लव और कुश हैं। जब द्वापर युग शुरू होता है तो ये मन रूपी घोड़ा पकड़ लिया जाता है। किसके द्वारा? इस्लाम धर्मियों के द्वारा और क्रिश्चियन धर्मियों के द्वारा पकड़ लिया जाता है, कंट्रोल्ड हो जाता है और भारतवासी आधीन हो जाते हैं। और बाबा शास्त्रों में लिखा है कि शंकर जी ने भस्म लगाया है? शंकर जी ने सब भस्म लगाया रोज रोज है। तो कौन सा भस्म है बाबा? कहते हैं ना भस्म कर देंगे, भस्म कर देंगे का मतलब राख बना देंगे। राख बनाने का मतलब ये है कि कुछ भी नहीं बचेगा, हड्डियां भी नहीं बचेंगी, वो भी राख बन जाएंगी। तन धन धाम स्वर्ग परिवार जो कुछ उस इन आंखों से देखते हैं वो सब राख हो जाए। भस्म रमाने का अर्थ ही होता है जो देह अभिमानी की मिट्टी है वो भस्म हो जाए, वो भस्म रमाते हैं अर्थात देहबान को खलास कर देते हैं, उसको भस्म रमाना कहा जाता है। उन साधु संतों ने फिर वो स्थूल भस्म रमाना शुरू कर दिया। अब स्थूल भस्म रमाने से कोई थोड़े ही आत्मा अभिमानी बन जाएंगे। और बाबा जब 4.5 लाख आत्मा शरीर दबेंगे में तो जम्मू द्वीप में दबेंगे ना? दुनिया के किसी भी क्षेत्र में हो, दुनिया के कोई भी क्षेत्र में भी बर्फ ही बर्फ होगी, जहां कहीं भी दबेंगे वो दबने के बाद जब निकलेंगे तो उनमें इतनी स्फूर्ति होगी, इतनी तीव्रता होगी कि वो भारत में ही पहुंचेंगे। ये तो मतलब ये जो 4.5 लाख लोग शरीर हो गए ये आखिरी में माउंट आबू से जम्मू द्वीप में कैसे जाएंगे? माउंट आबू तो साकार परम धाम है। जम्मू का नाम नहीं सुना? जम्मू कश्मीर वो ही आसपास का स्थान। जम्मू जम्मू द्वीप नाम तो भारत का है नहीं, पर ये सदीप को बंदे जम्मू द्वीप को
सतयुग को जम्बूदीप बोलते हैं ना। और सतयुग कोई ऊपर होता है क्या? नहीं, तो उसी धरती तो उतनी होती है ना जम्बूदीप, तो इसी दुनिया में होगा ना, और इस दुनिया में भारत में ही होगा या कोई दूसरे देश में होगा? भारत में होगा। भारत में भी दक्षिण भारत में होगा या उत्तर भारत में होगा? तो बस। और भक्ति मार्ग में श्राद्ध जो करते हैं तो उनका वो उसको भी ऊपर के जगह पे भोग लगाते, जब तक कौवा उसको छूता नहीं है तब तक उसके पुत्र जो है पितर जो पिता वगैरह जो भी है पुरानी कमाई के, तो उनका उनको भोग मिलता नहीं जब तक वो कौवा नहीं छूता छूता हो। इसका मतलब लेखन जितने भी धर्म हैं उन धर्मों में सबसे जास्ती काव काव करने वाला कौन सा धर्म है? है आर्य समाजी, जिनका प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य चलता है, बहुत भाषणबाजी करते हैं, भाषणबाजी बहुत करते हैं, ऊंची ऊंची बातें बहुत करते हैं, हम भारत को स्वर्ग बनाएंगे, लेकिन बनाते क्या हैं? ज्यादा 5-स्टार होटल बनाते हैं या स्वर्ग बनाते हैं? हैं? 5-स्टार होटलों में और ही जास्ती बेविचार चलता है, खुलेआम कारगर बुलाई जाती है। कौवा क्या करता है? काव काव बहुत करता है, क्या खाता है? गंध खाता है। तो ये कौओं का राज्य है, इस कौओं के राज्य में ब्राह्मणों को जो खिलाया जाता है वो भी तब ही पहुंच सकता है जब वो ब्राह्मण भी उस स्टेज में आ जाते हैं। कोई भी ब्राह्मण रहता ही नहीं, भय वर्ण संकर सब है, ये तो अभी की बात है, लेकिन तुलसीदास ने 500 साल 400 साल पहले ही लिख दिया था, कोई भी ब्राह्मण नहीं बचा, सब कौओं के प्रभाव में आ जाते हैं, यथा राजा तथा प्रजा, वो कौए ही खा जाते हैं। पितृ वगैरह को तो किसी को मिलता ही नहीं, और सब धर्मों में पितर होते हैं क्या कि पितरों को खिलाया जाएगा तब उनका उद्धार होगा? ये तो सिर्फ मान्यता मान्यता है। हमारी ब्राह्मणों की दुनिया में पितर कौन है? ब्रह्मा सरस्वती ही पितर हैं, उनके प्रति हमारी श्रद्धा है, हम श्रद्धा अर्पण करते हैं, ब्रह्मा भोग लगाते हैं। जब हम ब्रह्मा भोग लगाते हैं तो खाने वाले कौन खाते हैं? बाबा, अभी 31 दिन की अव्यक्तवाणी में बाप दादा ने जो पहली बारी आए, अभी 31 दिन की जो अव्यक्तवाणी चली उसमें बाप दादा ने जो पहली बारी आए उनको कहा कि आप टू लेट हो गए हो। नहीं, अभी भी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है, टाइम पर आ गए। टू लेट का बोर्ड लगना माना 8 जो है प्रत्यक्ष हो जाना, फिर ऊंचा पद ऊंचे से ऊंचा पद की कोई मार्जिन नहीं रही। जो 8 हैं वो लक्ष्मी नारायण समान है, यथा राजा तथा प्रजा, वो फर्स्ट राजधानी है। पहली पहली राजधानी का पहला पहला सैंपल है। जैसे राजा रानी होते हैं वैसे ही वो 8 की प्रजा है, वो अभी प्रत्यक्ष नहीं हुए हैं,
प्रत्यक्ष नहीं हुए हैं तो कहेंगे टू लेट का बोर्ड अभी लेट का बोर्ड लगा है, लेकिन टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। अभी बहुत देरी नहीं हुई है, माने अभी भी पुरुषार्थ चाहे तो दौड़ लगा सकते हैं। पुराने तो सो रहे हैं आराम से अमृत वेले, नए होते हैं, सतो प्रदान होते हैं, तो अच्छा पुरुषार्थ कर सकते हैं, अमृत वेले पुरुषार्थ करके गैलप कर सकते हैं। इसलिए बाबा ने बोला कि अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है, लेट का बोर्ड लगा है। बाबा, बाप दादा ने बोला है कि टू लेट हो गए हो, पर बाप को और परिवार को तो पहचान लिया, बोर्ड नहीं कहा पर हो गए। वो लेट होना अलग बात है, लेकिन टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। और जगदम्बा को चंद्र वंश का बीज कहा, जगदम्बा को चंद्र वंश का बीज कहा, योगिनी माँ को भी चंद्र वंश का बीज। योगिनी माता को चंद्रवंश का बीज कहेंगे तो सूर्यवंशियों की राजधानी का फाउंडेशन कौन लगाएगा? हाँ? कैसेट में आया है, कैसेट में कैसे आएगा? राजधानी जो स्थापन होनी है वो सूर्यवंश की राजधानी स्थापन होनी है या चंद्रवंश इस्लाम वंश की राजधानी स्थापन होनी है? सूर्यवंशियों की राजधानी स्थापन होनी है। बाबा ने कहा है कि सब दुनिया जन्मय हो जाएगी, सब दुनिया जन्मय हो जाएंगे और एक ही रहेगा, एक ही रहेगा, एक ही माना एक बापा एक बाप दूसरा न को, एक भारत ही बचेगा, एक भारत बचेगा और बाकी सारी दुनिया जलमय हो जाएगी। और भारत किसे कहा जाता है? जैसे जल जड़ है या जल चैतन्य भी है, जल हद का ही है कि बेहद का भी है? बेहद का भी जल है। ऐसा भी टाइम आएगा कि दुनिया में चारों ओर ज्ञान का ही धंधा चलेगा, ज्ञान की जलमयी हो जावेगी। तो जब हर व्यक्ति ज्ञान सुनावेगा सुनेगा तो ज्ञान ईश्वरीय मुख से सुना हुआ प्योर ज्ञान रह जावेगा या उसमें देह अभिमान की मिट्टी भी मिली हुई होगी, मिट्टी भी मिली हुई होगी। जैसे बाढ़ आ जाती है तो जल में क्या मिल जाता है? मिट्टी मिल जाती है। तो जो देह अभिमानी की मिट्टी से मिला हुआ जल छारी दुनिया में आप लावे तो हो रहा होगा, उसमें बहुत सारे डूब मरेंगे। उतराने वाले वो होंगे जो निरक्षीर विवेकी होंगे, ईश्वरीय ज्ञान को अलग करके निकालने वाले होंगे, मनमत और मनुष्य मत को छोड़ने वाले और सिर्फ ईश्वरीय ज्ञान की बात को पकड़ने वाले, धारण करने वाले होंगे। वो तैरते रहेंगे और बाकी सब डूब जाएंगे। निकालने के लिए जाते हो दत्तात्रेय, एक मुखी दत्तात्रेय रहता है ना,
वहाँ लेके जाते हैं, वहाँ नदी क्या ले जाते हैं? नहीं क्यों बदले हैं, गुरु स्तर की तरफ क्यों ले जाते हैं? बालाजी के बोल रहे दत्तात्रेय के मंदिर में नहीं ले जाते हैं, बालाजी के मंदिर में ले जाते हैं, दत्ता के मंदिर में ले जाते, बालाजी के मंदिर में ले जाते, इधर के लोग क्योंकि बालाजी जो हैं, जिनका नाम बाला हुआ है, वो बाप विदेशी बन करके आया था और दक्षिण भारत है भारत का विदेश, तो बाप जब विदेशी बनकर आया होगा तो विदेशों में ज्यादा चक्कर लगाता होगा, विदेशियों ने बाप को पहले पहचाना होगा, विदेशी बाप को प्रत्यक्ष करते होंगे या दूसरे प्रत्यक्ष करेंगे, विदेशी बाप को प्रत्यक्ष करते हैं, इसीलिए बालाजी का मंदिर कहाँ बसा हुआ है, दक्षिण भारत में बना हुआ है, वो बालाजी कोई दूसरा नहीं है, भूतनाथ ही है, भूतों को कंट्रोल करने वाला। गुरु का दिया हुआ, गुरु दत्त कहते हैं उसको, दत्त माने दिया हुआ, गुरु है ऊंचे से ऊंचे एक शिव बाबा। और जब हारमोन चेंज होंगे तब हारमोन चेंज होने के बाद इस दुनिया से रुद्र माला के मंत्र पर या विजय माला के मंत्र पर मंत्र करेंगे, क्या हुआ जब श्री पुरुष के हारमोन चेंज होंगे? सबके नहीं चेंज होंगे, सबके हारमोन चेंज नहीं होंगे, जिनमें स्त्री चोला होते हुए भी दूसरों को कंट्रोल करने की प्रवृत्ति ज्यादा होगी उनके हार्मोन्स चेंज होंगे, और चेंज हो करके वो स्त्री से शिखंडी अर्थात पुरुष बन जाएंगे। और विजयमाला में जो पुरुष शरीर वाले हैं परंतु कंट्रोल्ड होने के संस्कार हैं, क्या लक्ष्मी के कंट्रोल में ही चलेंगे, कन्या माताओं के कंट्रोल में चलेंगे, तो पुरुष चोला होते हुए भी क्या बन जाएंगे? स्त्री बन जाएंगे। तो ये तो फिर 4.5 लाख आत्मा का सब नहीं चेंज होंगे, अभी तो बताया स्वभाव संस्कार की बात है, जो स्वभाव संस्कार अगर पुरुष का है, पुरुष माने कठोर, कठोर स्वभाव संस्कार वाले हैं, वो दूसरों की बात मानते हैं, वो अपनी चलाते हैं, राजा किसकी चलाएगा, अपनी चलाएगा, दूसरों की बात नहीं मानेगा। फिर बाबा दुनिया में स्वर्गीय संगठन होगा तो जो देवात्माएं हैं तो उनको गायन कैसा होता है कि स्वर्ग में देवता रहते हैं? स्वर्ग का गायन नहीं होता है कोई, सतयुग त्रेता का द्वापर कलयुग में जो गायन होता है वो संगम का गायन होता है, जो भी गायन होता है, जो भी शास्त्रों में गायन है वो संगम के पुरुषार्थ का गायन है, सत्युग आ जाएगा तो उसका कोई गायन नहीं है, कोई हिस्ट्री नहीं है शास्त्रों में। स्वर्णिम संगम युग तो लोग अनुभव करेंगे ना? हाँ जी, यही अनुभव करना है, लोग नहीं अनुभव करेंगे, हम अनुभव करेंगे। अभी दुनिया कैसे मानेगी? ये मन का सुख होगा, शरीर सड़ते जावेंगे, आत्मा पावरफुल होती जावेगी। अब बताओ सड़े हुए शरीर से सारे विश्व में घूम घूम के कैसे सेवा करेंगे? मन की पावर से सेवा करेंगे, उमंग उत्साह इतना जास्ती होगा कि भले शरीर तकलीफ दे रहा है तो भी बाप दादा उसमें प्रवेश करके सेवा करावेंगे। तुम बच्चे सेवा नहीं करते हो, सेवा कौन करता है? बाप दादा सेवा करते हैं। तो अभी काया कंचन बनने के लिए 5 तत्व तो कंचन सतोप्रधान चाहिए या नहीं चाहिए? तो 5 तत्व तो पहले सतोप्रधान बनेंगे कि पहले आत्मा सतोप्रधान बनेगी? तो फिर अरे 40 से 50 वर्ष लगते हैं तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में, तो 40 से 50 वर्ष तुम बच्चे जिनको बोला है वो तो राजयोग सीखने वाले
राजयोगी बच्चे हैं जो राजकुल में जन्म लेते हैं 16,108। बाकी के लिए तो तुम बच्चे बोला ही नहीं, जैसे अगर सामान्य रूप से बोला भी है तो उनके लिए बोला है जो यथा राजा तथा प्रजा 9,00,000 होंगे बस। तो पहले सतो प्रधान बनने का नंबर राजाओं और राज परिवार वालों का लगेगा या प्रजा वर्ग में आने वालों का लगेगा? तो ये 40 वर्ष पूरे होते हैं 17-18 में, तो नंबर की शुरुआत होती है माला और राजाएं तैयार हो जाते हैं संगठन में माने माला में। राजाओं के बाद फिर आती है उनके परिवार की बात, राज परिवार, वो सब तुम बच्चों की लिस्ट में है। राजयोग सीखने वाले राजयोगी कितने हैं जो राजा ही प्राप्त करते हैं, राज घराने में जन्म लेते हैं? 16,108। उनको कहा है तुम बच्चे, बाकी बाप प्रजा बनाने आया है कि राजा बनाने आया है? राजा बनाने आया है, वो तुम बनाओ। ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनाए, वो हुजूम इकट्ठा करें। बाप तो कहते हैं जब तुम राजा बन जावेंगे तो प्रजा तुम्हारे पीछे पीछे आ जावेगी। प्रजा बनाने के लिए तुमको पुरुषार्थ करने की दरकार नहीं रहेगी, तुम्हारी क्वालिटी के पीछे प्रजा स्वतः ही आ जावेगी, अभी नहीं आवेगी। बाबा फिर अंत में सड़े हुए शरीर ही बर्फ में दब जाएंगे? बिल्कुल। अच्छा जी, वो सड़े हुए शरीर बर्फ में जाए तो चेंज कैसे हो सकते हैं? योग बल के आधार पर, योग बल के आधार पर चेंज हो जाएंगे। उनका सड़ा हुआ तत्व तो अलग होगा और जो सात्विक तत्व है उसका प्रवर्धन होगा। जो चेंज वाला हरमंस है वो कितने 16,000? आप सबको क्यों घसीटते हैं शिखंडी की स्टेज में? सब शिखंडी नहीं बनेंगे, वो थोड़ी आत्माएं हैं जो स्त्री से पुरुष और पुरुष से स्त्री बन जाती हैं। उनका नाम कहा जा उनको कहा जाता है शिखंडी। अंडे भी नहीं है, क्या है? अंडी, माने कमजोर आत्माएं हैं। तो पांडव का किला ऐसा बन जाता है जिसमें एक भी विकारी पैर नहीं रख सकता है? हाँ, तो पांडव का किला मोरदा को बोलेंगे या यमुना के कंधे को? पांडव में जो पांडवों किला माउंट आबू में बनेगा उसे किला कहेंगे कि सबको आने का दरवाजा खुला हुआ है? वो शिव बाबा का मंदिर होगा या लक्ष्मी नारायण का मंदिर होगा? किसका मंदिर होगा? शिव बाबा के मंदिर में सबको ही आने का योग्यता रखता है कि किसी को आने देंगे किसी को नहीं आने देंगे? कोई भी आए, सब बच्चे हैं परमात्मा बाप के, वो विश्व पिता है। पांडव का किला यमुना कंठे में, यमुना की कंठे में 2028 के बाद में। पांडवों का जो किला है वो दिल्ली में ही बना हुआ है यादगार, पुराना किला दिल्ली में बना हुआ है पांडवों का। तो 28 के बाद ही बनेगा ना? 18 से नहीं कहेंगे? क्यों नहीं कहेंगे? बाबा माउंट आबू में होते हैं ना? बाबा माउंट आबू में, बाबा तो सारी दुनिया में होता है बुद्धि से, क्या लक्ष्मी के पास बाबा नहीं होगा? तुम मुझे जितना याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूँ। लो साथ हो गया। बाबा कोई स्थूल चीज थोड़े ही है। और बर्फ में दबने के दबने से होंगी या जो प्रकृति के 5 तत्व हैं वो जब तक सतो प्रधान नहीं बने हैं तब तक तुम नहीं कह सकते कि हमने सारी दुनिया को सतो प्रधान बनाया। तुम जगत जीत बन गए? नहीं, जगत में सिर्फ आत्माएं ही नहीं हैं, जगत में 5 तत्व भी हैं। तो तुम 5 तत्वों को सतो प्रधान बनावेंगे तब तुम जगत जीत कहे जावेंगे।
तो पांच तत्व जो हैं, वो पहले अपने शरीर के पांच तत्व ज्यादा आत्मा के नजदीक हैं या बाहर की दुनिया के पांच तत्व ज्यादा नजदीक हैं? पहले शरीर के पांच तत्व ज्यादा नजदीक है। तो पहले ये ज्यो ज्यो शरीर में योग बल की पावर बढ़ती जाएगी, शरीर रोगी होते हुए भी चेहरा चमकता जाएगा। ये प्रक्रिया गुरु के अंदर होगी, ये प्रक्रिया गुरु के अंदर होगी या बर्फ से बाहर निकलने के बाद? जो परिवर्तन है तो बाहर आने के बाद ही देखने में आएगा। पाप दादा बोलते हैं, तो ये भी जो सेवा होती है तो उसके अंदर जो मतलब सेवा जो करते हैं तो बाप दादा करते हैं, तो फिर दादा है बोले तो ब्रह्मा हो गया और बाप बोले तो प्रजापिता हो गया, तो फिर ये सेवा जो करता है तो कौन करता है? मैंने शिव को उड़ा दिया। बाप दादा बोलते हैं ना। हाँ तो बाप शिव नहीं है ना? अभी माना मधुबन में जो गुजरात आदि के बदन में आते हैं तो वो बाप दादा कहते हैं ना, तो बाप शिव नहीं है? तुम्हारे शिव बाबा आते हैं? अभी तो बोला तुम मुझे जितना याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूँ, ऐसे समझो। माने ब्रह्मा बाबा गुलजार के तन में आते हैं तो हम बच्चों के मुकाबले ज्यादा गहरी याद में रहते हैं या धीमी याद में रहते हैं? गहरी याद में रहते हैं। तो वो कहा जाएगा कि शिव उनके साथ है, इसलिए बाप दादा कहा जाता है। बाकी प्रवेश नहीं करता है शिव सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा में। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा पावन है या पतित है? पावन है, उसमें कैसे प्रवेश करेंगे? लेकिन समझने के लिए बोला है, तुम ऐसे समझो। क्या समझो? कि मैं सर्विस नहीं करता हूँ, मैं तो तमो प्रधान आत्मा हूँ। तमो प्रधान आत्मा को तो अपनी ही रग लगी रहती है तामसी वृत्तियों की, मैं तो सिर्फ हिम्मत करता हूँ और मदद सारी सेवा बाप दादा करते हैं। बाप है शिव और दादा है ब्रह्मा। और एक और है पक्ष, शिव आते हैं तो किस में आते हैं? पहले ब्रह्मा में आते हैं या प्रजापिता ब्रह्मा में आते हैं? प्रजापिता ब्रह्मा में आते हैं ना, पहले ब्रह्मा बनता है ना, ब्राह्मण बनता है ना, फिर प्रजापिता ब्रह्मा बनता है। ब्रह्मा में आते हैं लेकिन शिव आते हैं तो प्रवृत्ति में आते हैं या निवृत्ति में आते हैं? कौन सी प्रवृत्ति है? एक प्रजापिता की प्रवृत्ति है और प्रजापिता के साथ बड़ी अम्मा नहीं, गीता माता की प्रवृत्ति है। वो गीता माता और प्रजापिता दोनों आत्माओं में एक भक्ति का रूप है और एक ज्ञान का रूप है। तो भक्ति के रूप में पहले आते हैं ना? पहले और बाद, बच्चा पैदा होता है तो पहले कौन पैदा करता है? अरे दोनों साथ साथ, जब प्रवृत्ति है तो साथ ही साथ होगा, भक्ति का फाउंडेशन और ज्ञान का फाउंडेशन साथ ही साथ पड़ता है। एक निमित्त बनता है भक्ति का फाउंडेशन डालने के लिए और दूसरा निमित्त बनता है ज्ञान का फाउंडेशन डालने के लिए। जो भक्ति का फाउंडेशन डालने के निमित्त बनता है वो माता है, और जो ज्ञान का फाउंडेशन डालने के निमित्त बनता है वो पिता है, प्रजापिता। तो प्रजापिता के साथ शिव की अखंड प्रवृत्ति है, इसलिए शिव शंकर साथ साथ कहा जाता है। तो फिर छोटी माता न छोटी माँ, न बड़ी माँ, न ब्रह्मा, न दादा लेखराज। शिव की प्रवृत्ति किसके साथ है? पहले शंकर के साथ। शिव शंकर एक जो कर दिया गया है वो आदि में भी साथ और अंत में भी साथ होगा। ये अनादि प्रवृत्ति है,
तो पहले पहले शरीर किसका सतो प्रधान बनेगा? शंकर का सतो प्रधान शरीर बनेगा। और इसका मतलब यही समझेंगे बाबा, जब आप दादा कहते हैं, हाँ, अगर आत्मिक स्थिति से कहेंगे तो बाप है शिव और दादा है प्रजापिता। अगर देवभान की स्थिति से कहेंगे, ब्रह्मा के बच्चों के हिसाब से कहेंगे, तो बाप है शिव प्रजापिता के थ्रू और दादा है दादा लेखराज ब्रह्म। हाँ जी बाबा, आज गुड़ी पाड़वा है तो गुड़ी उबाते हैं, कपड़े के ऊपर लोटा रख के आप क्या करते हैं वो आप सोचो। नहीं, दरवाजे के आगे आज नया दिन है ना, जब राम आते हैं अयोध्या में तो पूरी उबारते हैं, पूरी माना उसमें नीम के पत्ते डालते हैं, उस पर एक लोटा डालते हैं, जाने क्या क्या करते हैं, चलो कलश लगाते हैं, सारी परंपराओं का ज्ञान मराठियों को अपने तरीके से है, जो मराठी हैं वो अपने तरीके से सोचे हैं उसका अर्थ। उस संबंध में जिनको जानकारी है गहरी तो पूरा अर्थ निकल सकता है, पूरी जानकारी नहीं है तो अर्थ कहाँ से निकलेगा। और राज करेगा खालसा, जो खालसा हैं वो कौन से धर्म में होते हैं? सिख धर्म में। उनको खालसा क्यों कहा जाता है? उनको खालसा इसलिए कहा जाता है वो पवित्र रहते हैं, वो खालसा सिख धर्म में होते हैं। कैसे कपड़े पहनते हैं? एकदम काले कपड़े पहनते हैं, जैसे भारत में काली माई दिखाई जाती है, बाहर से देखने में काले और अंदर से खालिस, पवित्र आत्मा है। देखने वाले समझते हैं कि ये तो काले हैं, लेकिन अंदर से पवित्रता को पालन करने वाले हैं। ऐसे ही महाकाली का पार्ट है, जो महाकाली है वो कौन से धर्म से है? महाकाली है तमो प्रधान है तो महाकाली, सतो प्रधान है तो जगदम्बा दुर्गा, दुर्गुणों को दूर करने वाली, कौन से धर्म से है? सिख धर्म से है। जब निकलती है तो अव्यक्त बाप दादा की वाणी के आधार पर निकलती है। 83 चल रहा है तो 83 में 13 होना चाहिए, इसका मतलब कि 83 तक कोई ब्रह्मा कुमारी सरेंडर होकर के 13 नहीं बने। कितनी ढेर सारी ब्रह्मा कुमारी 13 बन चुकी थी। इससे साबित हो गया कि जो बन चुकी थी वो बाप की बच्ची नहीं बनी थी, और जगदम्बा किसकी बच्ची है? बाप की बच्ची है। तो रुद्रमाला की बात है, एडवांस पार्टी की बात है, कि एडवांस पार्टी में 83 से पहले कोई बाप का नहीं बन सका,
पहले पहले जगदम्बा ही बाप की बने, इसलिए रिजल्ट निकला। अव्यक्त वाणी में बोला, क्या बोला? पंजाब की धरणी कन्यादान में सबसे आगे चली गई। इसका मतलब ये नहीं है कि पंजाब से ढेर की ढेर कन्याएं सरेंडर हो गई, भले एक ही कन्या सरेंडर हुई, लेकिन वो ऐसी कन्या सरेंडर हुई जो पंजाब की धरणी का नाम बाला कर देती है। इसलिए बोला कि राज करेगा खालसा। जब राजधानी स्थापन होगी तो शुरुआत भी होगी। राजधानी जो स्थापन होगी वो माता के द्वारा होगी या दाढ़ी मूछ वालों के द्वारा होगी? माताओं में पहली पहली माता कौन होगी? जगदम्बा होगी। बेसिक वाले तो गए, बेसिक वाले खंडन कर दिए तो यहाँ मंडन करके इधर बैठे हैं। आप मुए मर गई दुनिया। भारत ने श्रीलंका को हराया अभी वर्ल्ड कप में, तो 96 में श्रीलंका से हारे थे भारत, लेकिन अभी क्यों जीते? जैसे उसका बेस में क्या हो? रात भर दिन भर क्रिकेट देखते हैं तो वही क्रिकेट चलती है बुद्धि में, और ज्ञान का कोई पॉइंट बुद्धि में नहीं चलेगा। लेकिन अभी तो 14 वर्ष हो गए बाबा, 14 वर्ष के बाद अभी बेस में उसका क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? वो मंथन आपका काम है, हमारा काम क्रिकेट में बुद्धि घुमाने का नहीं है। है दुनिया जिन बातों में जाती है उन बातों में हमारी बुद्धि नहीं जानी चाहिए, टाइम वेस्ट करना है। हाँ, छुट्टी नहीं रहेंगी सबके आगे चल के पता पड़ता जाएगा। है इसकी छुट्टी नहीं रहेंगी सबको आगे चल के पता चलेगा। हाँ, तो जो पता चलेगा तो उसको चलेगा, जिसका चलेगा वो दोनों आत्माएं देवान में होगी या आत्मा। जो देवान में होगा वो नहीं बताएगा अपना पोता मेल, या जो आत्माभिमानी होगा वो अपना पोता मेल नहीं बताएगा? कौन बताएगा कौन नहीं बताएगा? आत्माभिमानी अपना पोता मेल बता देगा, नंगा हो गया। और जो देह अभिमानी होगा वो अपना पोता मेल छुपाएगा, कभी भी नहीं बताएगा। तो जो नहीं बताएगा उनका छुपा हुआ है, कोई ने जाना नहीं है, सब समझते हैं बड़ा अच्छा पुरुषार्थी है, ऊंचा है, पूजा करने योग्य है, लेकिन बाद में जब धर्मराज का चौपड़ा खुलेगा तो सब प्रत्यक्ष हो जाएगा, तो सबके सामने प्रत्यक्ष हो जाएगा, या सिर्फ उसी के सामने प्रत्यक्ष होगा? सबके सामने पधरौनी हो जाएगी। शनि देवता है, शिव तो भगवान है। जो भगवान शिव है वो भगवान बनने से पहले मनुष्य रहा होगा या भगवान या देवता रहा होगा? मनुष्य रहा होगा। उस मनुष्य के ऊपर किसी ने जल चढ़ाया होगा, माने ज्ञान जल अर्पण किया होगा, माने कोई ब्रह्मा कुमार कुमारियां उसको भी बेसिक नॉलेज देती हैं। किसको? प्रजापिता को। माने लिंग पर
जल अर्पण करते हैं, तो भक्ति मार्ग में भी उसी के देखा तो नहीं, सूर्य को जल अर्पण करते हैं, लिंग को जल अर्पण करते हैं। वास्तव में सूर्य को क्या जल पर चढ़ाएंगे? ज्ञान सूर्य को ज्ञान देने की जरूरत है क्या? नहीं, लेकिन भक्ति मार्ग में ऐसा करते हैं। जो करते हैं, चाहे वो भले ब्रह्मा कुमारी हो, वो ब्रह्मा कुमारी उसको ज्ञान दे सकती है, समझा सकती है, नहीं समझा सकती। और बोलो ना, है हाँ बारह होते हैं क्या? क्या होते हैं बारह? बारह सैयद बनते हैं। हाँ अरे हिंदू धर्म में बारह राशियां नहीं होती हैं। दुनिया के जितने मनुष्य हैं वो बारह राशियों में नहीं बांटे जाते हैं, तो मुसलमानों में भी बारह में बटे हुए हैं। और हाँ मैच्योर्ड माता है, बाल सफेद होने लगे हैं, पति ने शरीर छोड़ दिया है, ज्ञान में होशियार है, हिंदी अनुवाद कर सकती है, तो गीता पाठशाला चला सकती है। कम उम्र वाली है, खुद ही फंस जाएगी, वो गीता पाठशाला क्या चलाएगी? माता की तरफ हैं? कौन परमिशन मिली ऊपर से? बीके में तो कुछ भी चलता है। बीके में अगर पवित्रता के नियमों को कड़क रूप से फॉलो नहीं किया जाता है तो स्वर्ग के स्थापन करने के बजाय क्या स्थापन हो जाता है? नरक स्थापन हो जाता है। जैसे बाहर की दुनिया में गांधी था, क्या कहता था? हम राम राज्य लाएंगे, और ही क्या हो गया, और ही नरक रावण राज्य बन गया। ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया में भी होता है, बेहद के गांधी के द्वारा कहते थे हम स्वर्ग लावेंगे, लेकिन स्वर्ग की बजाय और क्या बन जाता है? नरक बन जाता है, रावण का राज्य बन गया। एक भाई का कंट्रोल चल रहा है या अनेकों पांडवों का कंट्रोल चल रहा है यज्ञ में? हैं? अनेकों पांडवों का कंट्रोल चलता है। अव्यक्त वाणी में तो बाबा ने पहले ही बोल दिया था, पांडवों को गाइड नहीं बनना है शक्तियों का। अगर पांडव गाइड बन करके बैठेंगे तो यज्ञ में गड़बड़ हो जाएगा, तो गड़बड़ हो गया। बोल दो पूरी बात। सादा तालुका के अंदर प्रकाशा नाम का गांव है, उस जगह पे काशी विश्वनाथ की यादगार बनी हुई है। तो वहाँ बहुत साइड शिवलिंग है, यहाँ उसका लास्ट में ऐसी आत्माएं निकली होंगी जो बीज रूप स्टेज वाली होंगी, तो अंत समय का यादगार बन गया। और काशी काशी माना जाता है उसको। हाँ जी बाबा, केवल शिवलिंग
बैल दिखाते हैं हाँ। ब्रह्मा बाबा बैल है, शिव का वाहन है या शंकर का वाहन है? वो बैल किसका वाहन है? जो गायों का कुल होता है, उस गायों के कुल को बढ़ाने वाला बाप कौन होता है? अरे गायों का कुल होता है ना, गौकुल। भक्ति मार्ग में तो जानवर गौओं को मान लिया है, तो उन गायों के कुल को बढ़ाने वाला कौन होता है बाप? बैल ही तो होता है। तो ब्रह्मा कुमारियों में जो भी गैया हैं, उन गैयों के कुल को बढ़ाने वाला बाप कौन हुआ? ब्रह्मा बाबा हुआ। वो बैल ही दिखाया जाता है शिव के मंदिर में, नाली की तरफ मुख रहता है। वो नाली जगत की अम्बा है या जगत जन जो हैं उनकी पत्नी है? हैं? माता है, तो माता के साथ माता का संबंध होना चाहिए या नाली के रूप में देखने का संबंध होना चाहिए? माता का संबंध होना चाहिए। लेकिन कृष्ण वाली आत्मा अपन को भगवान समझती है या साधारण इंसान समझती है? गीता का साकार भगवान समझती है। और जब भगवान समझती है तो पतितों को पावन बनाने वाला समझता है। दुनिया की जो भी कन्याएं माताएं हैं वो सब मेरी पत्नियां हैं। तो जलाधारी की तरफ मुख दिखाया गया है। बाबा ने बोला तुम सब पार्वतियां हो, अगर पार्वतियां हो स्त्री चोला है तो हम ब्रह्मा कुमार कुमारों की बहनें और माताएं हैं, ये हमारी पत्नियां हैं, हैं? बहनें और माताएं हैं। हमारी दृष्टि कौन सी होनी चाहिए? बहनों माताओं की दृष्टि होनी चाहिए। लेकिन बैल की क्या दृष्टि बनती है? इसलिए नाली की तरफ मुख दिखाया जाता है बैल का। यही परिवर्तन होना है। क्या परिवर्तन होना है? गीता माता का पति कौन बन करके बैठ गया? हैं? कृष्ण बच्चा बन करके बैठ गया। आज घर घर में यही हालत है। बाप शरीर छोड़ देता है तो बच्चा माता का सरपरस्त बन करके बैठ जाता है, कंट्रोल करके बैठ जाता है। माता की घर में चलती है या बच्चे का राज्य चलता है? बच्चों का राज्य चलता है। माता तो दासी बन करके रह जाती है।